वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। हाँ मैं जानता हूँ मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि यार देखो त्यौहार का टाइम था और मैं थोड़ा बिजी था। और ये वीडियो होने वाली है हमारी कि हम अपने फ़ोन को FL स्टूडियो से कैसे कनेक्ट करें ताकि हम इसे एज ए माइक यूज़ कर पाएँ, क्योंकि फ़ोन का माइक प्रीमियम होता है, नॉर्मल माइक्स की तरह नहीं होता है, काफ़ी प्रीमियम होता है। तो आप जो 1500-1600 रुपये का माइक खरीदेंगे उससे अच्छा तो अपना फ़ोन का माइक ही यूज़ कर लें। तो इसे यूज़ करने का मैं एक बड़ा ही आसान तरीका बताऊँगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, अगर आपका ऑडियो जैक ठीक है जिसमें माइक लगता है, अगर आपको वो ठीक है तो आपको सिर्फ एक ऑक्स केबल की ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको एक USB साउंड कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मेरा वो ढंग से काम नहीं कर रहा है लैपटॉप का, तो मुझे ये लाना पड़ा। तो ये दोनों चीज़ नहीं थी मेरे पास, तो ये खर्चा करना पड़ा मुझे सिर्फ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन के माइक की, क्योंकि मेरे पास एक कंडेंसर माइक है तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो बस वीडियो बनाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा। तो यार इसी बात पे एक लाइक तो कर दो। आपको ये अपना PC में लगाना है या फिर आपको डायरेक्ट ही अपने माइक के इनपुट में लगा देनी है। लैपटॉप है तो उसका शायद एक इनपुट मिलेगा, उसी में लगा दो और माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लो अगर ऑप्शन आ रहा है तो, वरना डायरेक्ट लगा दो। यहाँ पर माइक का ऑप्शन है, माइक वाले में हम लगा देते हैं। ये लगा दिया और यहाँ से जाके हम फ़ोन में लगा देंगे, इसे लग गया। और ये एक ऐप होगी, ये 21 KB की ऐप है, 21 KB, सो ज़्यादा बड़ी नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसे ऑन कर देना। तो आपका माइक ऑन हो चुका है, अभी हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। इसमें जाएंगे हम, आप अपनी लेटेंसी को कम से कम रखें क्योंकि इसमें लेटेंसी का इशू आ सकता है। यहाँ से जाके आप अपना USB माइक सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा USB माइक, ओके। और स्पीकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हेडफोन स्पीकर, ओके। तो अब हम कर देते हैं इसे कट। देखिए वो साउंड दिखा रहा है, अभी दिख रहा है। मैं इसमें थोड़ा साउंड गुडाइजर लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इसमें साउंड को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं एक बार। R दबाएंगे, R से रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ट्रैक कर लेता हूँ बड़ा। इससे रिकॉर्डिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, अगर आप देखें कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर। और जैसे आप इसे बंद करेंगे यहाँ से, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। तो आपका एक कंपैटिबल माइक हो सकता है और काफ़ी लो नॉइज़ के साथ ये आपका काम करेगा, इसमें नॉइज़ काफ़ी कम आने वाली है। तो फिलहाल जिन लोगों का बजट नहीं है माइक यूज़ करने का, वो बेसिकली अपने फ़ोन को एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उन लोगों के लिए। और एक तरीका और है जिसे हम विदाउट इसके भी यूज़ कर सकते हैं, वायरलेसली भी अपने फ़ोन को माइक बना सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आपको वो तरीका चाहिए या नहीं, आप मतलब जानना चाहते हैं कि नहीं कि वो आप उस तरीके से करना है या फिर आपके लिए यही बेटर है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको वो तरीका जानना है या नहीं। तो अगर आप ज़्यादा कमेंट्स आए उस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं ज़रूर से वो वीडियो बनाऊंगा। और यार इस वीडियो को लाइक करो अभी के अभी। मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।